हेलो बच्चों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ वीडियो जिसमें हम करेंगे क्लास 7 मैथ और एक्सरसाइज इसमें रहेगी 2.7। तो ये इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है। इससे पहले मैं इस चैप्टर की सभी एक्सरसाइजेज करा चुका हूँ। अगर आपने पिछली एक्सरसाइजेज भी चाहिए तो इसी चैनल पे जाके आप दूसरी एक्सरसाइजेज देख सकते हैं। तो अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आते हैं, ये पूरी वीडियो अच्छी लगती है, तो आप इस चैनल को क्या करेंगे, इसको लाइक करेंगे, इसको सब्सक्राइब करेंगे और घंटी के बटन को दबाएंगे ताकि आपको सभी वीडियो आसानी से मिल जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं एक्सरसाइज 2.7 क्लास 7 मैथ। तो इसमें एक्सरसाइज है, इसमें हम करेंगे क्वेश्चन आपको ऊपर दिखाई देंगे और सोल्यूशन यहाँ पे आएगा। ठीक है बच्चों, तो शुरू करते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन है ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए का मतलब होता है सॉल्व करना है हमने जो अभी दिया हुआ है। अब इस एक्सरसाइज में हम क्या करेंगे, जो परिमेय संख्याएं हैं उनको डिवाइड करेंगे। ठीक है, जो दशमलव वाली संख्याएं हैं उनको भाग करना सीखेंगे। तो कैसे सीखेंगे, पिछली एक्सरसाइज में हमने गुणा करनी सीखी थी और इसमें भाग करनी सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 0.4 को क्वेश्चन नंबर 1 और फर्स्ट पार्ट है, इसमें है 0.4 को डिवाइड करना है हमने 2 से। ठीक है बच्चों, तो जब भी इस तरह से क्वेश्चन आते हैं तो हम क्या करते हैं, जो 0.4 है इसका मतलब है 4/10, 4/10। तो ये क्यों लिखा मैंने, क्योंकि जो दशमलव के बाद जितने भी अक्षर होते हैं उतनी जीरो नीचे लिखते हैं और जो डेसिमल या दशमलव है उसके नाम का हम एक लिख देते हैं। तो इसका जब भी हमने दशमलव हटाना है तो हम 4/10 लिखेंगे। क्यों लिखा, क्योंकि दशमलव के बाद एक अक्षर है इसलिए एक के बाद एक ही जीरो लगेगी। ठीक है, और डिवाइड टू का मतलब होता है गुणा, जब करेंगे तो ये नीचे आ जाता है 1/2 में। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे, इस 10 को अलग कर लेते हैं तो 1/10 लिख लेते हैं हम और गुणा करते हैं 4/2। तो 4/2 को ऐसे लिखेंगे। अब 4 को हमने 2 से भाग देना है, तो 4 को 2 से कैसे भाग देंगे, 2 × 2 = 4। तो अब ये आएगा 2/10 रह जाता है यहाँ पे, 2/10। अब 2/10 का मतलब क्या होता है, दशमलव लगाना है हमने, कितने अक्षर के, जितनी जीरो है, जैसे एक जीरो है तो एक अक्षर छोड़ना है हमने, दो यानी एक ही अक्षर है हमारे पास और इसी के आगे हमने दशमलव लगाना है और ये जीरो, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन करेंगे, इसी का सेकंड पार्ट है 0.35 को डिवाइड करना है 5 से, 0.35 को 5 से भाग देना है। तो वैसे ही करना है हमने, 35/ क्या करें हम, दशमलव के नाम का हम एक लिख देते हैं और दशमलव के बाद जितने भी अक्षर हैं 1, 2, तो 2 जीरो लिख देते हैं। ठीक है, और भाग, इस डिवाइड को गुणा लिखेंगे। जब भी हम भाग को गुणा लिखते हैं तो ये नीचे चली जाती है संख्या 1/5 में। ठीक है बच्चों, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इस 100 को जो है अलग कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 1/100 गुणा लिखेंगे 35/5, 35 को 5 से भाग देते हैं तो 7 आता है, 5 के पहाड़े में 7 पे आता है, 5 × 7 = 35, 5 × 7 = 35। तो 7/100 आ गया, ये क्या आ गया, 7/7। तो 7 यहाँ बचा है ऊपर और नीचे 100 है, तो ये लिख दिया हमने। तो अब डेसिमल लगाना है तो क्या लिखें, 7 लिख देंगे पहले, तो
यानी 102 यानी दो अक्षर छोड़ने डेसिमल के दूसरी तरफ दो अक्षर होने चाहिए, लेकिन हमारे पास तो एक ही है, तो अगर हमारे पास अक्षरों की कमी पड़ जाए तो हम इसको जीरो लिखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ जीरो लिख देंगे और एक के नाम का यहाँ दशमलव लगाएंगे और आगे आप जीरो लिख सकते हैं, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आपने क्वेश्चन करने हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी का थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट में देखो क्या करना है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, फर्स्ट पार्ट का क्वेश्चन नंबर थर्ड है 2.48 को डिवाइड करना है 4 से। ठीक है बच्चों, तो 4 से डिवाइड करना है इसको, तो कैसे करेंगे, हमने क्या करना है, पहले दशमलव को हटाना है, तो हम लिखेंगे 248 बटे दशमलव के नाम का एक लिख दिया, 120 लगाएंगे और इस डिवाइड को गुना लिखेंगे 1/4। अब अलग कर लेते हैं, 1/100 गुना 1/100 ये, यानी 1/100 ये लिख दिया और इसको बटे ये करेंगे, 248 को 4 से डिवाइड कर देंगे। अब आपने क्या करना है, 248 को बीच में रखना है, 248 को 4 से भाग देना है, तो 4 6 24 होते हैं, नीचे 8 आ जाएगा, 4 2 8 होते हैं, तो ये 62 आ गया। तो जब हम इसको इससे काटेंगे तो यहाँ पे 62 आ जाएगा। अब यहाँ में बचा है 62/100, तो यहाँ पे बचा है 62/100। अब हमने इसमें दशमलव लगाना है, तो क्या करेंगे, 1 2 0 हैं तो दो अक्षर छोड़ेंगे, दो अक्षर छोड़ दिए, एक है आ गया, इसका इसका मतलब ये दशमलव लगा दिया और ये 0 आपका आंसर। ठीक है बच्चों, तो इसमें आपने थर्ड क्वेश्चन कर लिया है। अब हम करेंगे इसका फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट में देखो क्या करना है, 65.4 डिवाइड बाय 6, तो हम क्या करेंगे, 65 और नीचे 10 लिख देंगे। ठीक है, 10 क्यों लिखा, क्योंकि दशमलव के बाद एक ही अक्षर है, और गुणा 1/6 कर देंगे, तो 1/10 गुणा 5 6 4, ठीक है, तो ये आ गया 6 5 4 6 54/6। तो जब इसको हम ऐसे भाग देंगे तो हम क्या करेंगे, 6 1 6 6 0 0 6 9 54, तो 109/100 आ जाएगा, सॉरी 10 आ जाएगा, क्योंकि 10 है ना नीचे, तो ये 10 आएगा। ठीक है, अब दशमलव लगाना है, तो 10 और एक अक्षर छोड़ के यहाँ दशमलव लग जाएगा, तो आपके पास 10.9 आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, फिर उसके बाद है आपके पास अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास फर्स्ट का, मैं कराता हूँ लास्ट करा देता हूँ, फर्स्ट का 8th पार्ट कराऊंगा। ठीक है, बाकी आपने खुद करने हैं। तो ये आ जाएगा 0.80 को डिवाइड करना है 5 से, तो इसको लिखेंगे हम 80/100 और गुना 1/5, तो ये आ जाएगा 1/100 गुना 80/5, तो 5 को जब हम 80 को 5 से भाग देते हैं तो 16 आता है, तो ये आ जाएगा 16/100 और ये आ जाएगा आपके 0.16 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 2 0 है नीचे, 2 अक्षर के बाद दशमलव लग जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया है आपका। सेकंड क्वेश्चन करते हैं, याद करना है सेकंड क्वेश्चन में भी सॉल्व करने हैं ऐसे ही क्वेश्चन। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन में देखो क्या करना है, क्वेश्चन नंबर सेकंड,
तो इसमें आ जाएगा आपके पास 4.8 को भाग देना है 10 से, ठीक है। तो पहले हम इसको कर लेंगे 4 48/10, जब भी हम दशमलव हटाएंगे नीचे 10 आ जाएगा इसके, क्योंकि दशमलव के बाद एक अक्षर है तो एक जीरो आएगी, और इसको भी लिख देते हैं गुना 1/10, तो ये 10 और 10 100 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 48/100। अब दशमलव कितने अक्षर के बाद, 1 2, तो 1 2 के बाद पहले दशमलव लग जाएगा, तो ये आ जाएगा 0.48 आपका आंसर, ठीक है। क्योंकि 2 0 थी तो 2 अक्षर से पहले दशमलव लग गया। अब इसका ये फर्स्ट पार्ट था, अब आपके पास सेकंड पार्ट है इसी का। सेकंड क्वेश्चन 52.5/10, तो ये आ जाएगा 52 और नीचे 10 गुना 1/10, तो ये आ जाएगा 525/100, तो ये आ जाएगा आपके पास 5.25 आपका आंसर, ठीक है बच्चों। तो इसी तरह से आपने थर्ड क्वेश्चन करना है इसका, चलो कर लेता हूँ। 0.7 को डिवाइड करना है 10 से, तो ये आ जाएगा आपके पास 7/10 गुना 1/10, 7/100, 0.07 आपका आंसर, ठीक है बच्चों। फिर अगला हम करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट का, कौन सा करें, हम करेंगे फिफ्थ पार्ट कर लेते हैं, फोर्थ आपने खुद कर लेना है। तो 272.23 को डिवाइड करना है 10 से, तो ये आ जाएगा 272.23, इसका दशमलव हटा दिया नीचे 100 लिख दिया, गुना 1/10 आ गया, ठीक है बच्चों। अब ये 1000 हो गया, तो ये आ जाएगा 27/223/1000। अब 3 0 है, 1 2 3, तो 1 2 3 अक्षर छोड़ेंगे तो दशमलव यहाँ आ जाएगा, तो 27.223 ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। बाकी आप क्वेश्चन खुद करेंगे, जो बाकी बच गए हैं इसके आसान है, ऐसे ही होंगे। अगर आपके समझ में आ गए हैं तो ईजी हैं, अगर नहीं समझ में आए तो दोबारा से कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर, अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रही है तो आपने अपने दोस्तों को इसको फॉरवर्ड करना, शेयर करना है, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि इस पर सभी एक्सरसाइजेज आपको मिलेंगी। तो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है आपके पास 2.7, क्वेश्चन ऊपर देखा करो, ऊपर क्वेश्चन आपके होंगे, नीचे आंसर होगा, ठीक है। तो इसको 100 से डिवाइड करना है, तो इसको हम क्या करेंगे, 227/10 लिख लेंगे, क्योंकि दशमलव के बाद एक अक्षर है, तो 10 1 0, और इसको गुणा करेंगे, ये नीचे चला जाएगा 1/100, 1/100, ठीक है। तो अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 27/100, 30 हो जाएंगे, ठीक है। अब 30 है, तो 30 का मतलब 3 अक्षर के आगे दशमलव, लेकिन यहाँ तो 2 हैं, तो हम 1 0 लगा लेते हैं, और यहाँ 1 2 3 1 2 3, और यहाँ दशमलव 0, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे ही आपने सेकंड पार्ट कर लेना है, 0.3 को हमने 100 से गुना करना है, 3/10 गुना 1/100, तो ये आ जाएगा 3/1000। अब यहाँ हमें 3 अक्षर चाहिए, तो 2 0 लगा लेंगे, तो ये आ जाएगा 0 0 3, और ये दशमलव लग गया आपका आंसर, ठीक है बच्चों। ऐसे ही आपने थर्ड पार्ट कर लेना है अपने आप। अगला क्वेश्चन कराऊंगा मैं,
मैं कराऊंगा आपको सिक्स्थ क्वेश्चन, इसी का सिक्स्थ पार्ट करा दूंगा, छठा भाग है जो, ठीक है। बाकी आप खुद कर लेंगे, क्योंकि अगर सारे कराऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, ठीक है। तो 98 पॉइंट, ठीक है, तो ये आ गया आपके 100। तो अगर आपके पास जो क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए हैं अगर वो नहीं होते, आपने कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करना है, और अगर आपने कर लिए या कर लोगे तो उसके आंसर आपने कमेंट बॉक्स में भेजने हैं, ठीक है। 98 53 अपॉन यहाँ 100 आ जाएगा, इस दशमलव को जब हटाएंगे ना तो यहाँ 100 आएगा, और ये गुना 1/100, तो ये आ जाएगा 98 53/1 2, ये 1 2 3 4 0। अब चार अक्षर के पहले दशमलव लगेगा तो ये आ जाएगा 9853, चार ही अक्षर हैं तो यहाँ दशमलव लगा दें, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। आगे है फोर्थ क्वेश्चन आपके पास, क्वेश्चन नंबर 4 याद कीजिए है ये भी। अब इसमें 1000 हो गया तो ये भी ऐसे ही होगा जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया है। तो क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट पार्ट याद कीजिए, 7.9 को डिवाइड करना है, सॉरी 1000 से, ठीक है। तो 7 इसका दशमलव करेंगे, हटाएंगे तो ये नीचे 10 आ जाएगा, और इसको गुना करेंगे तो ये 1/1000 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब क्या करें, 1 2 3 4 0 है नीचे, तो यहाँ दशमलव 4 अक्षर के आगे रहेगा तो ये आ जाएगा 0079। चार अक्षर बना लिए, अब 1 2 3 4, तो ये 1 2 3 4 यहाँ दशमलव और ये 0, तो आपके पास आंसर आ गया ये। फिर उसके बाद ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन कर लेंगे आप, मैं आपको कराऊंगा थर्ड क्वेश्चन, इसी का थर्ड पार्ट करा देता हूँ। 38.53 को डिवाइड करना है 1000 से, तो इसको दशमलव हटाएंगे, डेसिमल रिमूव करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 100100, और इसको गुना करेंगे 1/1000 से, अब कितनी जीरो होगी देखो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 अक्षर हैं लेकिन हमें 5 चाहिए, तो एक जीरो लगा लेंगे, 0 3, ठीक है, 0 इसके आगे लिख लेंगे 0 3 8 5 3, 8 5 3, 5 हो गए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो ये 0., ये आपका आंसर आ गया, ठीक है बच्चों। आगे क्वेश्चन करेंगे तो मैं करा देता हूँ आपको, ये बाकी क्वेश्चन आप खुद करेंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं, याद कीजिए, ठीक है। तो जो आसान से क्वेश्चन है मैंने वो आपके लिए छोटे हैं, आगे क्वेश्चन नंबर 5 है जो थोड़ा आपको मुश्किल लगेगा, तो आपने ध्यान से समझ लेना है, तो याद करना, इसमें भी सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट है, तो यह है 7 को डिवाइड करना है 3.5 से, ठीक है बच्चों। अब 7 तो ठीक है, अब इसको गुना, अब इसको नीचे ले जाते हैं, या आप ऐसा करो पहले इसका डेसिमल हम रिमूव कर देते हैं, तो 7 और 3.5 का डेसिमल जब रिमूव करेंगे तो नीचे 10 आ जाएगा इसकी, क्योंकि दशमलव के बाद एक अक्षर है तो इसके नीचे 10, तो जिसमें भी दशमलव होता है ना उसी के नीचे लगाते हैं हम 100 10, 7 के नीचे नहीं हमने अभी लगाना, ठीक है। तो अभी आ गया 7, इसको डिवाइड को, भाग को हम गुणा में बदलेंगे और इसको बदल देंगे, ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। इसको ऐसे बदल देते हैं जब भी हम भाग को गुणा में बदलते हैं, तो ये आ जाएगा 10 और नीचे 35, ठीक है।
अब सात को इससे भाग देंगे, सात के पहाड़े में पाँच पे जाएगा, सात पंजे 35 होता है, तो पाँच को इससे, दस को जब पाँच से भाग देंगे तो ये दो आ जाएगा, तो आंसर आपके पास दो आ गया। ठीक है बच्चों, आया समझ में आपकी? अगला क्वेश्चन करते हैं इसी का सेकंड पार्ट। 36 को डिवाइड करेंगे 0.2 से, अब इसका डेसिमल ख़त्म करेंगे पहले, तो ये आ जाएगा 36 डिवाइड 0.2 को हम लिखेंगे 2/10। ठीक है, अब इसको गुना को भाग को गुना में बदलेंगे, तो ये आ जाएगा 36 गुना 10/2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, क्या करें इसको, तो ये दो को पाँच से भाग, पाँच पे कट जाएगा और पाँच को इससे गुना करेंगे, पाँच ही का 30 होते हैं, 5 × 3 = 15 और 3 × 18 = 180 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आपके समझ में आ गया होगा, क्योंकि जिसके नीचे दशमलव होता है उसी का दशमलव हम खत्म करते हैं और उसी के नीचे 10 वो इस तरह से लगाते हैं, वो हम देखते हैं कितना लगेगा। फिर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं इसमें, हाँ इसमें थर्ड पार्ट करा देता हूँ। चलो 3.25 और डिवाइड करना है हमने 0.5 से। ठीक है, तो इसका डेसिमल रिमूव करेंगे, नीचे 100 आ जाएगा यानी 100 आएगा, और इसको ऐसे ही लिख लेते हैं, चलो 5 का भी डेसिमल रिमूव कर देते हैं। ठीक है, इसमें भी डेसिमल था और इसमें भी डेसिमल था, दोनों के डेसिमल हटा दिए। अब इसको गुणा को भाग को गुणा में बदलें, तो इसको बदलेंगे, सेकंड वाली टर्म को ही आपने बदलना है। जब भी आप गुणा भाग को गुणा में बदलते हैं, डिवाइड को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करोगे, तो दूसरी वाली संख्या को ही आपने उलटाना है। तो यह आ जाएगा 3/5/100 गुना 10/5। अब ये देखो, जब नीचे 100 है ऊपर 10 है, तो हम एक जीरो से एक जीरो काट सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब इस 5 को इससे भाग देंगे हम, तो जब 232 को 325 को आप 5 से भाग दे सकते हो ऐसे, तो 5 से भाग दे के क्या होगा, 5 × 30 2 × 5 = 25, तो ये आपके पास 65 आ गया, 65 आ गया। तो इसको काट के मैं यहाँ 65 लिख दूँ, तो ये आ गया 65/10 रह गया यहाँ पे, तो ये 65/10। अब नीचे 10 है ऊपर 65 है, तो दशमलव लगा दें, तो दशमलव कितने अक्षर के बाद, एक, एक जीरो है तो एक के आगे, तो 6.5 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आपने करने हैं क्वेश्चन। तो आपके पास अगला क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ऊपर कौन सा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप कर लोगे, तो ये आपके पास है, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास इसका फोर्थ पार्ट 30.94 को डिवाइड करना है 0.7 से, तो इसका डेसिमल चेंज करें, रिमूव कर देते हैं इसको, नीचे 100 कर दें और इसको मैं डायरेक्ट कर देता हूं। अब इसके नीचे 10 लिखेंगे ना, तो 10 ऊपर चला जाएगा, नीचे 100 आ जाएगा, एक स्टेप मैंने काट दिया है क्योंकि अब आपकी समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसको चेंज करने के लिए, क्योंकि मैंने इकट्ठे कर दिया, ये 0 से 0 कैंसिल, इसको 7 को इससे भाग देंगे, अलग से भाग देना है आपने, तो 7 × 28 होते हैं, 2 × 7 = 28। ठीक है, और 1 × 4 = 14, 7 × 2 = 14, तो ये आ जाएगा आपके पास 4 × 4 = 2/10, तो यह बचेगा 44.2 आपका आंसर। आगे है फिफ्थ क्वेश्चन आपके पास, 0.5 को डिवाइड करना है 0.25 से, तो ये आ जाएगा आपके पास 5/10 गुना 10 100/25,
क्योंकि जब इसका दशमलव हटाएंगे नीचे 100 आएगा, और जब हम गुणा करेंगे तो 100 ऊपर हो जाएगा, 25 नीचे, 0 से 1 0 कैंसिल, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, 0 से 0 कैंसिल की, फिर 5 को 25 से काट दिया, 5 पे 5 दूनी 10 कर दिया 2, तो आपके पास 2 आंसर बच गया इसका। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आपको काटना भी आना चाहिए। फिर उसके बाद है आपके पास अगला क्वेश्चन है, सिक्स्थ पार्ट है इसी का, 7.75 को डिवाइड करना है 0.25 से, तो ये आ जाएगा 7 7 5 के नीचे 100 गुना 100/25, 100 से 100 कैंसिल कर देते हैं, 25 से जब हम इसको भाग देंगे, आपने ऐसे भाग देना है ये 7 7 5 को 25 से, तो चलो यहीं कर देते हैं, 25 दिए 75, 2 5 25 एकम 25, तो इसको काट के 31 आ जाएगा, तो 31 आपका आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, फिर उसके बाद आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेवेंथ क्वेश्चन, ये आ गया आपके पास, 76.5 को डिवाइड करना है 0.15 से, तो ये आ जाएगा 76.5/10 गुना 100/15, 0 से 0 कैंसिल, तो 15 को इससे भाग देंगे तो 15 पंजे 75 होते हैं, और 15 एकम 15, 51 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और 51 ये है और 10 भी है, 51 गुना 10 होता है 51 गुना 10 = 510, आपका आंसर। ठीक है बच्चों, बाकी के क्वेश्चन आपने खुद करने हैं, अब मैं 6th क्वेश्चन कराऊंगा, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, और इस पूरे चैप्टर का भी ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, 6th क्वेश्चन, एक क्वेश्चन रह गया बस, क्वेश्चन नंबर 6। तो एक गाड़ी 2.4 लीटर पेट्रोल में 43.2 किलोमीटर जाती है, ऊपर क्वेश्चन है पढ़ो, तो 2.4 लीटर में गाड़ी जाती है, कितने किलोमीटर जाती है बच्चों, 43.2 किलोमीटर, तो वह गाड़ी एक लीटर में कितने, तो एक लीटर में जाती है, तो हम इसको एक में निकालने के लिए इसको इससे भाग देंगे, तो ये आ जाएगा 43.2/4। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है, तो ये आ जाएगा आपके पास 432, इसका दशमलव जब हटाऊंगा तो इसके नीचे 10 लिखूंगा मैं। ठीक है, और इसका दशमलव हटाऊंगा 24, और इसके लिए मैंने ऊपर 10 लिखना है। ठीक है, क्योंकि दशमलव के बाद एक अक्षर है, तो ये आ गया 10, और इसमें भी दशमलव के बाद है ये, तो 10 को 10 से कैंसिल कर दो, और 24 को जब इससे भाग देंगे तो 24 को ऐसे भाग दे सकते हो आप, 432 को बीच में रखो और 24 से भाग दो, तो 24 एकम 24, तो ये आ जाएगा 92। ठीक है, और 1 भी बचेगा, तो ये आ जाएगा 24 3 4 चौके 16 8 पे जाएगा ये 8 8 चौके 32 8 दूनी 16 3 9, तो ये 18 आ जाएगा आपके पास आंसर 18। ठीक है बच्चों, तो हमारी एक्सरसाइज ये चैप्टर पूरा हो चुका है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों को जरूर भेजें, ताकि उनका भी फायदा हो सके, वो भी अपनी पढ़ाई जारी रख सकें, और इसको लाइक करना है, लाइक जरूर कर दिया करो। ठीक है, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना। ओके, थैंक यू, जय हिंद।